बड़े बुड़ों की बात है। गुस्से के कितने तेज हैं अली? बिल्कुल तेज नहीं है गुस्से का, बिल्कुल भी नहीं। वाकई? बिल्कुल। कभी घर में कोई आर्गुमेंट हो जाए या कोई इस तरह की चीज हो जाए, जरा अब्बा भी इतने इंटेलेक्चुअल, अम्मा भी, हाँ, तो फिर वो जरा भारी भर के माँ बाप हो, हाँ, तो क्या? लेकिन गुस्से का बिल्कुल तेज नहीं। हाँ, ना ना कन्वेंस हो जाते हैं अम्मा अब्बा से या उनको कन्वेंस कर लेते हैं? दोनों। ये कैसे मनती है और अब्बा कैसे मनते हैं? अब ऐसा है कि अब जब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मैं कन्विंस कर लेता हूँ, जब छोटा था तो हाँ ज्यादातर सुन लेता था। मैंने इनको अपने टीनेज इयर्स में बड़ा तंग किया है। अच्छा, क्या तंग किया है? अगर आप बताइए, ये खबर आप दीजिए। क्या तंग किया? बहुत तंग किया है मैंने इनको, जबकि यहाँ तक के जब राफे पैदा हुए थे, जो मेरे बड़े बेटे हैं, तो आपकी टीनेज थी तब राफे पैदा हुए? नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं बड़ी जल्दी शादी हो गई। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं लिंक कर रहा हूं उस बात से। मैं वही से लिंक किया, तो गौर से सुन रहे हो सब ठीक है? देखिए, दोस्तों के शो पे आने की यही एक मसला होता है, ये मैं इस बात से लिंक कर रहा हूँ कि मुझे तभी अंदाजा, आपको अंदाजा नहीं होता कि आपने कितना तंग किया होगा ना पेरेंट्स को। आप सोचते हैं कि हाँ किया होगा, लेकिन कितना किया होगा? तो उससे पहले मैं सोचता है कि यू नो, हाँ मैं ये तो बताएं तंग क्या किया, मैं तो आप वो बताता हूँ, बताता हूँ, वो ही बताऊंगा खुल के, नो प्रॉब्लम। अब तो हो गया, हो गया। लेकिन अंदाजा आपको तभी होता है जब आप खुद, मेरे ख्याल में जब आप बाप बनते हैं, माँ बनते हैं, खुद एक अजीब सी एक जिंदगी कहानी फ्लैश में चलती है आपके दिमाग में कि यार ये मैंने क्या किया। तो जब राफे पैदा हुए थे, मैं पहले 24 घंटे के अंदर मैंने इनको फोन किया था कनाडा से, और मैं रो रहा था, और मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक राफे की रील चली कि जब वो बड़ा होगा और जब पहली बार मुझे ना कहेगा या कुछ कहेगा तो मैं क्या कहूंगा उसे, मैं तो बड़ा गुस्सा हो गया कि क्या मतलब यार, मैं तुम्हें इतना कुछ सिखाया है तो मुझे ना कहेगा उस वक्त, यू नो। तो मैं सोचा उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं कहा, कि हमेशा जब मैंने कुछ ना कहा या कुछ सवाल पूछे ना, हमेशा जवाब दिया, उसके बाद में डिस्कशन की, बड़ी एक हेल्दी, एक बड़ी ओपन गुफ्तगु, यू नो, जो कि बड़ी एक खूबसूरत सी बात है। जो कि मतलब मेरे अब्बा भी वैसे नहीं थे, अम्मा भी वैसे नहीं थी, कि उनसे हमेशा कि सिर्फ रिस्पेक्ट थी, प्यार था, लेकिन ये था कि हर बात डिस्कस कर सकते हैं आप। उसके बावजूद वो टीनेज इयर्स में ऐसा होता है, मैं कभी बदतमीज नहीं था, कभी कोई उस तरह की हरकत कोई नहीं थी, लेकिन यू नो, देर से आना, दोस्तों के साथ गायब हो गए, घर ही नहीं आए कभी, यू नो, गेट आपकी आना उस तरह की, हाँ, ये कुछ साल ऐसे भी थे। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि फिर जूते उतार के अंदर जा रहे हैं और रॉकिंग चेयर पे राहत साहब बैठे हैं, बेटा ना फिल्मी सीन है? बिल्कुल नहीं, लेकिन यू नो, मजे की बात ये कि अगले दिन नाना नानी से फेंटी लगती थी। सही वाली। अच्छा। यू नो, लेकिन कुछ साल थे जब उससे पहले जवानी सर पे चढ़ी होती है ना, जब होता है वो एक होता है टाइम, वो भी एक टीन इयर्स होते हैं ना, कहते हैं टीन एज, वो जब आप जरा उस एज में होते ना, 17-18 या ज्यादा, फिर आप जरा और लड़के होने में, इनको इनको पहले दिन ही बाप बनते ही इनको अंदाजा हो गया कसम से, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं मुझे पैदा होते मुझे अपने पेरेंट्स की कदर बहुत है, क्योंकि क्योंकि कनाडा में जीरो से स्टार्ट किया और वो सब चक्कर किया, तो उसमें पेरेंट्स की बड़ी याद आई इस बात में कि इनकी सारी जो तरबियत, सारी ट्रेनिंग थी, काम भी वही जो ये करते हैं माशाल्लाह, तो जो उनकी ट्रेनिंग थी वही वहां पे, जब मैं वहां फिल्म स्कूल गया, ड्रामा स्कूल गया, सबका सारे काम खुद करने पड़ते हैं यहाँ, तो बड़ी लग्जरी। तो जो पेरेंट्स की ट्रेनिंग थी वो इस पिछले 10 सालों में बहुत मुझे रोज खटकती थी बात की, यार यू नो क्या बात है, उन्होंने इतनी स्मूथली ऐसी बातें मुझे बताई जो कि इतने काम आ रही है अब। तो इसलिए जब जब राफे पैदा हुए थे तो मुझे बहुत हिट किए बात की, यार ये तो ऐसी बातें सिखा गए हैं कि स्टार्स होंगे जो भी, मुझे कभी आज तक जिंदगी में इन्होंने ये कभी फील भी नहीं होने दिया। ऐसा होता है कभी घर में कि बेटा देखो स्टार है, तुमने भी स्टार बनना है, याद रखना, कभी ऐसी बात नहीं। ना कभी स्टार बनना गोल था, ना फेमस होना गोल था, गोल था कि काम अच्छा हो, काम अच्छा हो, दिल लाए काम करो बेटा। एंड मजा इस बात का ये था कि मैं ये हमेशा ही कहता हूँ, ये बात सच है कि ये स्टार्स नहीं है, ये सिर्फ वालदैन भी नहीं है, एक्चुअली लोग, दो लोग बड़े अच्छे हैं दिल के, और दो अच्छे लोग मिल गए, ये मैजिक है कि दो एक्चुअली बड़े अच्छे लोग।